क्या सब कुछ खत्म हो गया? मैंने बच्चा गिरा दिया। क्या? ठीक है, मैं मर जाऊंगा अब जाके कहीं ना कहीं, जा रहा हूँ मैं। क्या क्या कह क्या रहे हो तुम, पागल हो गए? क्या करूँ? तुम दूर रहो मेरे से। ये क्या तरीका है बात करने का? मतलब तुम दूर ही रहो बस। अब बताओ, हो गया धर्म चेंज? जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं संजना हूँ, वो भैया हैं और इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका नाम आकाश है। ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है अब हमसे। हमने उस दिन आपको समझाया, वो सब आपके कुछ समझ में नहीं आया है ना। अब आप तो सब कुछ समझ रहा था, आप दोनों ही नहीं समझ रहे थे, आप दोनों मुझ पर भड़क रहे थे। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे, हमें भी समझाएंगे ज़रा? मैंने आपसे बोला तो था कि मैं ठीक है घर वालों से बात कर रहा हूँ, घर वालों को मना रहा हूँ, लेकिन आप तो बस अपनी अपनी कर रहे। मना लिया घर वालों को? घर वाले जी, क्या मतलब हम गलत कर रहे थे? आप वहाँ पे बोल रहे थे कि बच्चे को आप गिरा दो, नुकसान करा दो, ये सही तरीका है आपका? सही तरीका नहीं है, लेकिन कम से कम सामने वाले की परेशानी तो समझो। अब वो बच्चा दुनिया में आएगा, अब आपके तो अंदर क्या परेशानी है तो हम नहीं जानते हैं ना, तो समझ लो ना, पूछो ना। आप तो मतलब सिर्फ अपनी अपनी बोल लो, सामने वाले की परेशानी जानने की कोशिश तो करो। क्या दिक्कत है उसे, क्या नहीं है? बोलने से पहले कम से कम पता तो होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा। जितना आपका सुने थे वो कोई कम नहीं था, ठीक है? आपने उस दिन सिर्फ उस दिन की बातें सुन ली, लेकिन उससे पहले या उसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम है आपको? अगर आपको रिश्ता निभाना होता ना तो आप एकदम नर्म लहजे से बात करते, ठीक है? आप आते ही उसको सुनाने लगे तो क्यों कि ये बच्चा गिरा दे, मतलब ये कोई बात होती है? ऐसा नहीं कर दिया जाता ना वो दोस्त। उस बच्चे को अगर वो इस दुनिया में अपनी पहली बार आंखें खोलता तो उसके बाप आप होते, आप ये बात जानते हो? अब ये सारी बातें करने के लिए मैंने यहाँ नहीं बुलाया। फिर क्या बात करने के लिए बुलाया बताइए? मैंने सिर्फ ये बात करने के लिए बुलाया है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है, मुझे उससे बात करनी है। क्योंकि मतलब अब आपकी छोटी छोटी लड़ाइयों की या सब चीजों की बात भी अब हम ही कराएं? क्यों मतलब क्यों? देखो आप जब उस दिन बीच में थे तो आज भी मैंने इसी मारे आपको बीच में बुलाया। सारा मैटर खत्म आप करके गए थे। देखो मुझे मालूम है आपने कैमरा लगा रखा है, उस दिन भी कैमरा लगा रखा था, आज भी कैमरा लगा रखा है आपने, तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि मैं जो है दुनिया को दिखा सकूं। क्योंकि वो पिछली वाली वीडियो जो आपने डाली थी वो सबने देखी, मेरे घर वालों ने भी देखी, तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने क्या कर रहा था, तो अब जो मैं करने जा रहा हूं वो भी तो दुनिया देखे ना। मतलब अच्छा, आप ये सारा काम जो अभी भी आज करेंगे वो सिर्फ एक वीडियो मतलब, की वजह से? वीडियो की वजह खुद का कुछ मतलब, कोई नहीं है। क्या कहना, क्या मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया को ये पता चले कि मैं गलत नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? मैंने साबित करोगे आप? साबित करने के लिए तैयार हूँ, मैं कह तो रहा हूँ। मैंने अपने घर वालों को मनाया, अब ये जो भी मैंने हफ्ता 10 दिन जो भी लिए हैं, मैंने 4-6 दिन जो भी लिए हैं, मैंने इसीलिए लिए थे कि मैं घर वालों से बात करूं, उन्हें मनाऊं। अब वो घर वाले मेरे मान चुके हैं, लेकिन घर वालों की एक शर्त है। अच्छा। उन्होंने ये बोला है कि देख तू अपना धर्म चेंज कर सकता है उस लड़की के लिए, अपने प्यार के लिए, तो क्या वो लड़की भी अपना धर्म चेंज कर सकती है? अच्छा हाँ, ये तो क्रिटिकल बात है। हाँ, तो मेरे घर वाले इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि अगर वो लड़की हमारे रीति रिवाज से रहेगी, मतलब हमारे तौर तरीके अपनाएगी, तो हम तेरी उससे शादी करा देंगे। तो अब मैंने जो सिर्फ आपको जो बुलाया है कॉल करके मैसेज करके, सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप उससे बात करो, उसको बोलो कि हाँ ठीक है लड़का शादी करने के लिए एग्री है, लेकिन तुझे जो है अपना धर्म चेंज करना होगा। चलिए ठीक है, सारी बातें आपने हमसे भी कर दी हैं और ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स को भी बता दी हैं। आप बात करनी है तो उस लड़की से सिर्फ, ठीक है? जी हाँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी आपको लेकर के, आप उसको कॉल करो और यहाँ पर बुलाओ। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही। ठीक है, आप मेरे नंबर से कॉल करो उसको या मैं ही करती हूँ? तू ही कर, लेकिन कुछ उल्टा सीधा मत बोलना उसको, ठीक है ना? क्योंकि अगर उसको बुलाएंगे ना तो हम अपने। ठीक है, तो मैं बात करके आती हूँ, आप रुको यहाँ पर। बुला उसको यहाँ पे, कोई कुछ भी उल्टा सीधा उसको मत बोलना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से उसको तकलीफ पहुंचे। एक यही चाहता हूँ, एक शायद उसी की कॉल आ रही है, नहीं किसी और की है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, ठीक है ना? एक ऐसे भी वो बहुत सारा तकलीफ में चल रही है,
क्योंकि अगर किसी का पति किसी को छोड़कर चला जाए ना, उस अवस्था में मुझे भी दुख है। मैं भी समझ सकता हूँ उसकी परेशानी, वो किस परेशानी से गुजर रही है, मुझे भी मालूम है। वो एक लड़की है, मुझे मतलब मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं एक मर्द हूँ, लड़का हूँ, तो मुझे इतनी तकलीफ है, दिक्कतें हैं, तो वो एक लड़की है, तो उसकी क्या परेशानियाँ होंगी, वो कितनी परेशान होगी, तो मैं समझ सकता हूँ। मना कर दिया आने के लिए। हेलो, नहीं आ रही हो फिर? अच्छा आ रही हो, ठीक है, व्हाट्सएप चेक कर लो, मैंने लोकेशन भी भेज दी, आप आ जाओ, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। बहुत मुश्किल से मानिए, पहले तो मना ही कर रही थी, फिर आपका नाम लिया तो कह भी रही है कि ठीक है मैं आ जाती हूँ इस बार। तो आ रही, देखो कहीं ना कहीं आज भी वो तुमसे प्यार करती है, ठीक है ना। नहीं तो अगर वो छोटा मोटा लड़की रहती ना, इधर उधर का लड़की रहती, तब तक वो दूसरा शादी कर ली। मेरे अंदर भी उसके लिए वही बात है जो पहले थी, मैं भी उसको प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तो जब ही तो आपको बुलाया है ना। अगर मैं उससे प्यार नहीं करता, अगर मेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं होती, तो मैं ये सब क्यों करता, अपने घर वालों को क्यों मनाता, आपको क्यों बुलाता यहाँ पे, आपका टाइम क्यों वेस्ट करता। वीडियो का डर भी हो सकता है, जरूर है। अरे यार फिर वही वाली बात, देखा, ठीक है, देखो आपकी सिचुएशन, आप जो है ना जो कुछ सोचते हो वही ना, सबकी सोच एक सी नहीं होती है। आप उस दिन भी गलत थे, अपनी अपनी कर रहे थे, आज भी यही बोल रहे हो कि वीडियो के डर से, मतलब वीडियो के डर से मैं शादी कर रहा हूँ, वीडियो के डर से मैंने अपने घर वालों को मनाया है। जब समाज में इतनी बेइज्जती हो जाती है तो हर माँ बाप बोलते हैं कि ये बताओ अब ये शादी करने से मतलब बेइज्जती, वो मतलब इज्जत वापस आ जाएगी क्या? इज्जत तो नहीं वापस आएगी, लेकिन वो जो लोग ताने मार रहे हैं वो तो बंद हो जाएंगे। वो कैसे बंद हो जाएंगे? वो तो अभी चलो सुनो, अभी भी सुनो, हमसे लड़ने बहस करने से कोई फायदा नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, उसको आने दो, आप उसको मना लेना, ठीक है, आप उसको मना लेना, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हम उसके ऊपर ज्यादा दबाव भी नहीं देंगे, ठीक है। कोशिश करता हूँ, बात करके देख लो, हमें कोशिश करता हूँ, अगर अच्छी बात है दो दिन आप, मिल जाएंगे हमें। आप बोल रहे थे कि आपका फोन नहीं उठा रही है, तो हमारी फोन उठाइए, हम बात किए हैं तो आ रही हैं, तो समझ लो कि आपके वजह से नहीं आ रही, हमारे वजह से आ रही है, तो उसी हिसाब से उसी बिहेव से आप उसे बात करें। क्या हुआ है, क्यों बोला आपने? बात करने के लिए बुलाया है मैंने यहाँ। क्या बात करनी है अब? क्या बात करनी है? हाँ, जो बात थी वो तो पहले से ही खत्म हो चुकी है। क्या खत्म हो गई? क्या खत्म हो गई? क्या खत्म बात करके इतनी बड़ी बात पूछ रही हो कि खत्म क्या हो गई? तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि वेट करो, वेट करने के लिए बोला था ना, मैंने कुछ बात करने के लिए बोला। तुम इस हालत में उस दिन छोड़ के चले गए थे। हाँ तो क्या हो गया? क्या वेट करना, अब सब कुछ खत्म हो चुका। क्या सब कुछ खत्म हो गया? मैंने बच्चा गिरा दिया। क्या? हाँ। ये क्या करा तुमने? तुमने मुझसे पूछा? ये बच्चा मेरा भी था। उस दिन मैं रो रही थी तब तुम चले गए थे मुझे आधे रास्ते में छोड़ के। तुम्हें क्या? इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले लेके से लिया? जैसे तुम अकेले मुझसे पूछा तुमने? अभी तुम पूछ रहे हो फैसले की बातें, तुमसे नहीं पूछा। जब तुम छोड़ के गए थे तब तुम्हें दिखाई नहीं दी मेरी हालत के बारे में? जब वो दोनों कहाँ है पहले ये बता, वो दोनों जो समझा रहे थे इतनी, वो दोनों कहाँ है? आज तुम मुझे इधर क्यों बुला रहे हो? हाँ, वो दोनों इतना समझा रहे थे तब तुम्हारे अकल में नहीं घुस रहा था क्या? ये क्या करा तुमने? जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। तो मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था ना, मैं ये काम करने जा रही हूँ तुम्हारे लिए। मैंने घर वालों को मना तो लिया, मैं क्या कर सकती हूँ? एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें गिड़गिड़ा, तुमने मुझे उस टाइम जब बच्चा मेरे पेट में था तो तुमने मुझे धक्का दिया, तो उस दिन के बाद मैंने कॉल नहीं करी क्या तुम्हें? तो मुझे बात करने के लिए कॉल तो कर रहा था ना मैं, तो जिन दोनों को तुमने दो दिन के बाद मैंने कॉल करी या नहीं करी? जो दोनों ने तुम्हें समझाया था ना, उन्हीं दोनों ने मुझे अच्छा सिला दिया कि मैंने गलती किया, तब मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना मैं ये बच्चा ही गिरा दूं, मैं अब अपनी लाइफ के नहीं साथ नहीं खेल सकती। अरे मैंने दो दिन बाद कॉल करी तो थी, किस लिए करी थी? इसीलिए तो बात करने के लिए फोन कर रहा था। मुझे क्या पता यार, तो कम से कम कॉल तो उठाना चाहिए थी ना। नहीं उठाया मैंने, मेरी मर्जी है, क्योंकि मैंने भी जब कॉल किया था, जब तुम्हारे सामने मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी ना, तो तुमने मुझे ऐसे धक्का मारा था, याद आ रहा है कुछ उस दिन की बातें? ये नहीं सोचा तब कि मेरे पेट में बच्चा है तो क्या होगा? अब जब मैंने बच्चा गिरा दिया, जब सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे से बोल रहे हो? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे भी सब कुछ खत्म हो गया। आई एम सॉरी, ना मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, ना मैं तुम्हें अपना सकती हूँ, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद। ठीक है, मेरी गलती है ना, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या यार, सुधारने के लिए अब क्या करोगे सुधारने के लिए? पता है तुमने उस दिन क्या किया था मेरे साथ?
मैं उस दिन इतनी रोई थी ना, वो दोनों जानते मैंने घर वालों को मना तो लिया शादी के लिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अच्छा तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए अपना धर्म चेंज करा, तुम सबसे बड़ी बात क्या, मैंने तुम्हारे बच्चे को मैंने अपनी कोख में रखा, वो गिरा दिया मैंने जिसको मैं इतना चाहती थी, और तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अगर उस दिन मुझे छोड़ के नहीं जाते ना, अगर प्यार था दिल में तो कम से कम कुछ दिन वेट तो करना चाहिए था ना। कैसा प्यार, मतलब आज 4 दिन हुए उस बात को यार, तुमने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया मुझे बगैर बताए। हाँ तो तुमने भी तो मुझे उस दिन छोड़ के चले गए थे ना, चलो जाओ मैं जा रही हूँ, ऐसे धक्का मार के गए थे ना तुम मुझे, याद आ रहा है कुछ? तो उस दिन के बाद कम से कम मुझे कॉल करनी चाहिए थी। भाई तुम्हें थे इतने समझा रहे थे, उसका क्या? अच्छा ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकते, जो करना था ना तब मैं कर रही थी, तुमने मना कर दिया, तुमने मुझे। मेरे घर वाले एग्री है शादी के लिए, लेकिन उनकी शर्त है। क्या शर्त है? अब मुझे ना तुम्हारी कोई शर्त भी मंजूर है। अब ऐसा मत करो, मुझे कहाँ बीच में लटका के जा रही हो, मैं तो ऐसे जी ही नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा ना यार। लटका तो तुमने मुझे दिया था जब तुम्हारा बच्चा मेरे कोक में था, जब तुमने आधा तो तुमने वैसे ही मार दिया मुझे ये खबर सुना के। हाँ तो सही, क्या अब मैं क्या करूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए, प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए क्या कर सकती हो? जब मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म चेंज कर सकता हूँ, हिंदू से मुसलमान हो सकता हूँ, आज मैं मुसलमान हूँ, तो तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? अच्छा ये बताओ, धर्म की बातें बोल लो। अब देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, जितना दूर हो सके ना तुम उतना दूर ही रहो। क्या कर रही हो यार ये, मतलब दूर रहो मेरे से, ये क्या तरीका है बात करने का, मतलब तुम दूर ही रहो बस। जो तुम, मेरे घर वाले एग्री हैं शादी के लिए, मैं एग्री नहीं हूँ। क्यों नहीं हो, क्या हो गया? अब क्या कमी है मेरे अंदर, अब क्या बुराई है? जब मैं प्यार कर रही थी तब तो तुमने समझा नहीं। मैंने तुमसे क्या बोला था कि मेरी परेशानी समझो, मैं अपने घर वालों को मना रहा हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था जब मैंने तुम्हें उस टाइम बोला था कि समझो, तो अब मैं बोल तो रहा हूँ पकड़ने के लिए, मनाने के लिए सारे काम कर तो रहा हूँ, तुमने एक तो इतना बड़ा फैसला अकेला ले लिया। सही क्या फैसला लेके, जो तुमने उस दिन मुझे छोड़ने का फैसला किया था ना, तो अब तुमने सोच लिया मेरे साथ नहीं रहना, शादी नहीं करनी मुझसे? नहीं करनी, अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो, सॉरी अब मेरी बस की बात नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करूं और शादी करूं, जो हो गया ना बहुत हो गया। उन दोनों को पता है मैंने कितना रोया था, उन दोनों को पता है मैंने कितना गिड़गिड़ाया था? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, जो तुम छोड़ के तुम्हारी परेशानी को देख के ही मैंने क्या क्या परेशानी देख के छोड़ के चले गए थे, मैं जा रहा हूँ ऐसा बोल के गए थे ना। मैंने ही उनसे कॉल करवाई है तुम्हें, मैंने ही बुलवाया है तुम्हारे को यहाँ बात करने के लिए। अब क्या करने के लिए बुलाया हो? मेरे घर वाले एग्री हैं, उन्होंने शर्त रखी है कि भाई तू उसके लिए अपना धर्म चेंज कर सकता है क्या, वो चेंज कर सकती है अपना धर्म, तो तुम मेरे लिए अपना धर्म चेंज कर सकती हो? बोलो तो अब तुम धर्म पे भी आ गए? नहीं अब तुम, मतलब जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तो मतलब अब धर्म पे भी आ गए तुम मेरे घर, सिर्फ ये कपड़ों की वजह से? अरे यार हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, ठीक है अगर तुम मेरी बात नहीं समझ रही ना, ठीक है कोई बात नहीं मत समझो, अब मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है मैं मर जाऊंगा अब जाके कहीं ना कहीं, जा रहा हूँ मैं। क्या क्या कह क्या रहे हो तुम, पागल हो गए? क्या करूँ मैं फिर, क्या पागल हो गई हो क्या फिर, क्या करूँ मैं? तो एक काम करो सुनो, तुम्हें इस कपड़े से मतलब है ना, इस कपड़े से मतलब है ना, ये सिर्फ इसकी वजह से तुम अपने धर्म की बातें बोल रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, आज से ना तुम्हारे लिए मैं ये धर्म भी उतार रही हूँ, चलो ठीक है। और क्या कहते हो तुम, मुसलमान ना साड़ी नहीं पहन सकते? अब बताओ हो गया धर्म चेंज? तो ऐसे रहने में कोई दिक्कत है मेरे साथ? नहीं हो गया अब धर्म चेंज हो गया ना, अब लग रहे हो हिंदू घर की बहू में, बताओ अब लग रहे हो हिंदू घर की बहू? तुमने जो किया है ना मेरे साथ, 100 बार सोच के करो कि तुमने मेरे साथ किया क्या है। करा लिया धर्म चेंज, मिल गई ये है असली प्यार। नहीं चाहते, मतलब मेरा प्यार कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों को? नहीं, हम आपको गलत नहीं कह रहे। गलत होती ना तो बुर्खा के अंदर भी मेरा प्यार कुछ नहीं है, मतलब नहीं, मतलब अगर तुमसे प्यार नहीं करती ना तो बुर्खा के अंदर ना मैं साड़ी पहन के नहीं रहती। एक मिनट इधर आप दोनों बैठो। देखो सबसे पहले तो धर्म कोई चीज मायना नहीं रखता, ठीक है ना? अगर तुम दोनों वाकई दिल से प्यार करते हो तो उस बीच में धर्म नहीं आना चाहिए।
धर्म 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 इसी धर्म की वजह से तो हमारे बच्चे को मैंने गिरा दिया। हम बात कर रहे हैं ना, अगर तुम दोनों वाकई में दिल से प्यार कर रहे हो तो इस बीच में धर्म नाम का चीज नहीं आना चाहिए। दिल से प्यार है तभी मैंने घर वालों से लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ गया, उनको बगैर बताए सब कुछ। सारी बातें छोड़ो, आप इनसे शादी करना चाहते हो? हाँ मैं तो एग्री हूँ शादी तो करने आप के लिए। पहले देखो हमने आज भी कैमरा लगाया, थोड़ी ना होगा इसका भी तो एग्री होना। मैं वही पूछ रही हूँ, आपके घर वालों ने बोला है ना एक्सेप्ट करने के लिए? हाँ उन्होंने बोला है। तो एक बार आप कैमरे के आगे शादी कर लो, ठीक है, जिससे इन लोगों को भी पता चल जाए कि आप लोगों ने सच में शादी कर ली है। आप लोग बात करो। मैं कैसी बात कर रहे हो दीदी यार आप? क्या आपको दिक्कत है? जब उस टाइम उसने मुझे छोड़ के चला गया था, आपने मेरी तकलीफ देखा था? मेरी बात सुनो, मेरी बात, मेरी बात सुनो। बच्चों को मैंने पेट में लिया था। मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ तुम्हारा दर्द, मुझे तकलीफ किया, मैंने कितनी मिसकैरेजों किया ना, मुझे पता है कितनी दर्द हो रहा है मुझे। देखो जो बीत गया ना सो बीत गया, बीते हुए चीज पे आदमी गौर अगर करे ना तो बहुत पीछे रह जाएगा, इसलिए बीता हुआ चीज को कभी नहीं ढूंढते, आगे क्या करना है ये चीज देखो ना, अपना जिंदगी आगे में है जियो, आगे उसको बढ़ाओ। मान लो एक तो एक गलती की है, अब दूसरा गलती तुम कर रही हो। मैंने अपना बच्चा गिरा दिया इस आदमी के लिए, इसको इतना माना कि मैंने बुरके के अंदर साड़ी पहन के रही ताकि इसको तकलीफ ना हो, भले ही ये मुझे छोड़ दे। मेरा प्यार झूठा नहीं था, सच्चा था। देखो मतलब अब... मेरा प्यार झूठा था? हाँ था, तब तो तुम आधी रास्ते में जब बच्चा था तब तो छोड़ के चले गए थे। देखो नाराजगी दूर करो, एक दूसरे कैमरे के सामने पब्लिक को दिखाओ कि हम एक हो गए, हम शादी कर दिए, और उसके बाद अपना मंदिर में जाओ या कहीं भी जाओ बढ़िया से एंगेजमेंट करो। ये तो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है, बस पब्लिक को दिखाने के लिए। आपके घर वाले तो मान जाएंगे और उनके भी मान गए हैं, ठीक है? आप बताओ ना मेरे बच्चे का क्या होगा, वो वापस ही आ जाएगा क्या? बेटा देखो जो चला जाता है ना वापस नहीं आता, हम मानते हैं तुम्हारे तकलीफ को, मानते हैं, लेकिन अब जिंदगी आगे में जियो ना, दूसरा बच्चा हो जाएगा, अगर तुम दोनों एक रहोगे एक साथ रहोगे तो बच्चा फिर आ जाएगा। कैसे भरोसा करूं मैं इस पे, क्या गारंटी आगे चल के ये मुझे नहीं छोड़ेगा, क्या गारंटी इसके फैमिली वाले मुझे इतनी तकलीफ भरोसा तो करना ही पड़ेगा। देखो दुनिया कहीं ना पहले भरोसा कर रहा था, तो जब ये मेरे धर्म पर भी आ गया भरोसा तो करना पड़ेगा ना। दुनिया कहीं ना कहीं भरोसे पे ही टिकी हुई है, ठीक है ना, अगर भरोसा नहीं है अब तो मैं घर ले जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। अब किसी से गलती होता है, अब बाकी तुम दोनों की लाइफ है, तुम दोनों की जिंदगी है, अगर तुम दोनों एक रहोगे तो दुनिया कोई कुछ नहीं करेगा, ना इनके माँ बाप कुछ करेंगे ना तुम्हारे माँ बाप कुछ करेंगे, माँ बाप घर वाले गांव समाज। क्या पता इसके घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग ये सब करवा रहे हो, क्या पता कल वो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ भी होगा ना बेटा तो हमारे पास ये वीडियो है, जानते हो ना, वीडियो सबसे बड़ा सबूत है ये हमारे पास, हमारे पास ये वीडियो, हम इसका मुकदमा लड़ेंगे ना, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम इनको जलील करेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ कोर्ट तक इनको खींच कर ले जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, करना तो पड़ेगा। देखो अगर दूसरे जगह जाओगे ना तब भी तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, लोग जीने नहीं देंगे। चलो कोई वो बात नहीं, छोड़ दिया फिर क्या करोगे, मान भी जाओ, अब मान जाओ आराम से, दोनों शादी कर लो, खुश रहो अपने जीवन में, घर जाओ। लगाओ है ना, अब आराम से दोनों जाओ, दोनों खुश रहो, बाकी लड़ाई झगड़ा या कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, घर पे आकर हम आपके भी बात करेंगे, ठीक है, आ रहे हैं हम घर। बस ये कैमरे में इसलिए दिखाना जरूरी था कि शायद ही सही है कि हमने इनको सच में बहुत ज्यादा गलत बोला है, तो हम भी आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उस टाइम जो सही लग रहा था। देखो बस देखो इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, सही बात है, लेकिन जिस किसके दिल के अंदर क्या चल रहा है वो तो कोई नहीं जान सकता। हाँ। ना आप भी ठीक थे, अब तो पता चल गया ना मेरे दिल में क्या था, पता चल गया आप ठीक हो, अगर शादी कर लिए तो आप बिल्कुल ठीक हो, कोई नहीं आप लेकर जाओ, इनको खुश रहो, ठीक है, थैंक यू, कपड़ा ले लो अपना, त्याग दियो ना, छोड़ो।